नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 25 दिसंबर 2020 है। 25 दिसंबर 2020 की बड़ी खबरें क्या है? देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,23,000 हो गया। इनमें 96,92,000 से अधिक स्वस्थ हो गए हैं। सिर्फ 2,81,000 मरीज एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है। बिहार के पटना में कोरोना संक्रमितों के कुल आंकड़े 47,422 हो गए। इनमें से 45,035 स्वस्थ हो गए हैं। इस प्रकार कोरोना धीरे धीरे अपना पांव पसार ही रहा है। आगामी 4 जनवरी से बिहार राज्य के सरकारी व निजी हाई स्कूल और कॉलेज खुलेंगे। इसके बाद 18 जनवरी से प्राइमरी स्कूल भी खुलेगा। शिक्षा विभाग ने सभी DEO और DM को उक्त आशय का पत्र जारी किया है। आपको बता दें कि कोरोना काल में जितने भी स्कूल खुलेंगे वहाँ के शिक्षकों और छात्रों की स्वास्थ्य की नियमित जांच की जाएगी। आज क्रिसमस डे है। आप तमाम लोगों को क्रिसमस डे की शुभकामनाएं। कोरोना के कारण इस बार चर्च में सादगी के साथ क्रिसमस मनाया जा रहा है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने क्रिसमस की बधाई दी है। साथ ही कहा है कि प्रभु यीशु की कृपा से सबके जीवन में सुख शांति और संतुष्टि बनी रहे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्रिसमस पर बधाई देते हुए कहा कि प्रभु यीशु का संदेश त्याग शांति प्रेम व करुणा का है, जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए है। प्रभु यीशु के संदेश को हम अपने जीवन में उतारें। अब मीडिया बंधु जब चाहे तब पटना के राजद कार्यालय में एंट्री नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पार्टी की ओर से समय निर्धारित कर दी गई है। इसकी जानकारी पार्टी कार्यालय के गेट पर एक नोटिस लगाकर दी गई है, जिसमें लिखा है कि सुबह के 11 बजे के बाद ही कोई भी मीडिया पर्सन की एंट्री होगी। कार्यालय परिसर में नेताओं और प्रवक्ताओं से बयान नहीं लेने की भी बात लिखी गई है। पार्टी कार्यालय के गेट पर लगाए गए नोटिस पर पूर्व विधायक व राजद नेता नीरज यादव ने कहा कि मीडिया बंधुओं की सुविधा के लिए यह नियम बनाया गया है। अब नेताओं का बयान यत्र तत्र न लेकर पार्टी ऑफिस में ही लिया जाएगा। दिल्ली प्रवास के दूसरे दिन बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं की प्रधानमंत्री के साथ करीब 1 घंटे तक बिहार के कई विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान दोनों उप मुख्यमंत्री ने बिहार की स्थिति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरह अवगत कराया। दोनों की बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े ही गौर से सुना और सुझाव भी दिए। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होना है। इसको लेकर बिहार NDA के घटक दल भाजपा, जदयू और हम ने पहले ही ऐलान कर दिया है, परंतु महागठबंधन की ओर से अब तक किसी भी दल ने पत्ता नहीं खोला है। लेकिन राजद नेता तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि इस मामले में अंतिम फैसला पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही करेंगे। मोकामा में रंगदारी नहीं देने पर FCI कर्मी को देर रात गोली मार दी गई। गोली सुप्तावस्था में ही खिड़की से चलाई गई है। FCI कर्मी सरयुग महतो को 3 गोलियां लगी है। इस घटना से हड़कंप मच गया है। मुजफ्फरपुर के शहबाजपुर में हथियारबंद अपराधियों ने एक प्राइवेट फाइनेंस के कार्यालय से करीब 5 लाख रुपये लूट लिया। घटना को उस समय अंजाम दी गई जब सभी कलेक्शन एजेंट क्षेत्र से कलेक्शन कर लौटे थे। सुपौल के वीणा में एक पूर्व वार्ड पार्षद ललित यादव को गोलियों से भून डाला गया। घटना उस समय घटी जब ललित यादव एक अलाव के पास बैठे थे। इस घटना से इलाके में कोहराम सा मच गया है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। अब लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदकों को लंबे समय तक DTO कार्यालय का चक्कर लगाना नहीं होगा। उन्हें सिर्फ एक बार टेस्ट देने आना होगा। इसके बाद स्वतः मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। उसी के आधार पर कहीं से DL निकाला जा सकेगा। कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड के शिक्षक राम शंकर सिंह की बाइक की डिक्की से उचकों ने 3 लाख रुपये उड़ा लिए। यह घटना कटिहार की है। कटिहार के सेंट्रल बैंक से रुपये निकालकर वे बाजार में मार्केटिंग करने लगे। इसी में उनकी डिक्की से रुपये गायब हो गए। आरा में अपराधियों ने एक ट्रक से लूटपाट के दौरान गोली चला दी। इस घटना में ट्रक चालक घायल हो गया। वह सीतामढ़ी के विंदेश्वर शाह का पुत्र अरुण कुमार है। उसे गंभीर अवस्था में इलाज के लिए पटना भेज दिया गया है। आरा के गढ़हनी में राजद नेता रवि यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
रामडिहरा गांव के पास उनका शव बरामद होने के बाद घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने घटनास्थल से गोली का खोखा बरामद किया है। गहन तफ्तीश जारी है। सीवान के दरोंदा मेन बाजार स्थित एक एटीएम को चोरों ने गैस कटर से काट लिया और 9 लाख रुपए गायब कर लिया। बैंककर्मी सन्न है और पुलिस भी दंग है। मुजफ्फरपुर के जवाहरलाल रोड में एक बिजली का तार गिर गया था, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित थी। इसी चपेट में राघोपुर निवासी मनोज राम चला आया। विद्युत स्पर्शाघात से उसकी मौत हो गई। मृतक मनोज राघोपुर का था। घुसखोरी के आरोप में निगरानी के हत्थे चढ़े पूर्णिया के जिला कृषि पदाधिकारी शंकर झा को जेल भेज दिया गया। फिलहाल उन्हें मुंगेर जेल में क्वारंटीन किया गया है। वे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। सुपौल में एक व्यक्ति से 25,000 रुपये और मोबाइल अपराधियों ने छीन लिया। पीड़ित का नाम राम प्रवेश बताया गया। वह बायसी गांव का रहने वाला था। बताया गया कि राम प्रवेश बैंक से रुपये निकाल कर अपने घर जा रहा था। बैंक से बाइकर्स ने उसका रेकी कर रुपये छीन लिया। खगड़िया जिले के मटिहानी गांव के महेश्वरी यादव की मौत सड़क हादसे में हो गई। उन्हें किसी तेज रफ्तार वाहन ने रौंद दिया। घटना को अंजाम देने वाले वाहन तेजी से भागता चला गया। इस घटना को लेकर कुछ देर रोड जाम किया गया। घटना मटिहानी ढाला के समीप घटी है। किशनगंज के लाइन पाड़ा के रोहित राय की हत्या कर दी गई। वह ई रिक्शा चलाता था। अपराधी उनका ई रिक्शा लेकर भी भाग गए। मृतक रोहित राय का शव हलीम चौक के पास मिली है। इस मामले को लेकर गहन छानबीन की जा रही है। भारतीय सेना में सिपाही बनने का अच्छा मौका है। सेना भर्ती कार्यालय की ओर से सिपाही भर्ती रैली का कार्यक्रम रखा गया है। इसके लिए मैट्रिक और इंटर योग्यता रखी गई है। इसके लिए 2 फरवरी से रजिस्ट्रेशन भी शुरू है। पूर्णिया जिले के भवानीपुर प्रखंड अंतर्गत बलिया गांव में शॉर्ट सर्किट से 2 घरों में आग लग गई। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया, अन्यथा बड़ी घटना घट जाती। बांका के भेलहर में राजस्व कर्मचारी की मनमानी को लेकर रैयतों ने प्रदर्शन किया। बताया गया कि रैयतों को रोज हल्का कार्यालय दौड़ना पड़ता है, उनका काम नहीं होता। आपको बता दें कि अमूमन जगहों पर यही स्थिति बन गई है, लोग परेशान हैं। हाल के दिनों में लोगों की परेशानी इतनी बढ़ गई है कि आगे भू सर्वेक्षण है। इसको लेकर आम भूधारक अपनी जमीन का पेपर ठीक कराना चाहते हैं, म्यूटेशन भी कराना चाहते हैं, रसीद भी कटाना चाहते हैं। लोगों की भीड़ काफ़ी जम रही है। अब जान लेते हैं मौसम के बारे में। बिहार में 28 दिसंबर तक का मौसम सामान्य रहेगा, यानी ठंड रहेगी, कनकनी भी रहेगी, लेकिन हार्ड कंपा देने वाली सर्द हवाओं का तत्काल असर नहीं होगा। हालांकि हिमालय की ओर से एक नया विक्षोभ शुरू होने के आसार हैं, जिसका असर 28 अथवा 29 दिसंबर से होने के पूर्वानुमान बताए गए हैं। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। खबरें कैसी लगी? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।